नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे ले भाई, पीछे ले। एक रुपया क्या अली साहब, दादर भाई ने तो 1 करोड़ रुपए बोला था। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा माँ। और अपनी पापा की बात याद रखना कि जिंदगी में 3 रास्ते होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता और बीच का रास्ता। और जिस दिन मुझे मेरा रास्ता मिल जाएगा उस दिन मेरे मन को शांति मिलेगी। पापा ये भी कहते थे कि इस रास्ते को चुनना इतना आसान नहीं होगा। गणपति तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब चलो। खान साहब, सब इंस्पेक्टर आदि को स्टेशन रिपोर्टिंग फॉर फील्ड ट्रायल्स सर। तो क्या लगता है सर, एक पे तो ऑलरेडी 6 मर्डर के चार्जेस हैं सर, लेकिन इस बार 307 लगा नहीं सकते क्योंकि गन चली नहीं। लेकिन अगर पुराने केसेस के साथ जोड़ लें और इन सबका बुढ़वाले के साथ और डागर के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर दें तो 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मर्डर में सब अंदर हो जाएंगे सर। उम्र कैद पक्की है सर। 120 भी, अबे चूतिए, मैं तो इस व्यू के बारे में बात कर रहा था। सर ये हमारा केस है सर। केस गया खाई। क्यों पाटिल, तेरे बैलगाड़ी वालों ने कुछ बोला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बोलते। तो जानते नहीं होंगे
जाने दो उनको, जा। अरे जाना। सर आप कुछ ऐसे कैसे छोड़ रहे हैं सर? तो रोक लो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर सर, दोबारा नहीं होगा सर। ये ले, जीप क्रैश कर दे। सर ये कैसे कर सकते? ऑर्डर्स फॉलो करो वरना रिपोर्ट कर दूंगा। तुम फट्टू हो, फिर रगड़ते रहना सारी जिंदगी डेस्क के पीछे। मुझे लगा तुम यूके में ही प्रैक्टिस करोगे, वहां से कोई वापस नहीं आता है ना। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, खुश हो? मिल के जुदा होना पाएगा दिल, दिल एक रिग्रेट है, समझ कैंटीन की चाय बहुत मिस करता हूँ। मुझे ना ऑक्सीजन ऑफ कर देना चाहिए था जब तुम बेहोश पड़े थे। 299 मिलता। Culpable homicide not amounting to murder. So doctor, जिंदा बचेगा? लग तो रहा है, discharge होना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पुरानी दोस्त है। मैं क्रैश के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बताता हूँ क्या हुआ। सर वो बंदूक छीन कर भाग रहे थे, मेरे आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दे ओपन फायर, आई हैड टू शूट। हैड टू? सर मेरे आदमी सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, तभी फायर करेंगे जब सामने से गोली चलेगी। शायद इसीलिए पिछले 4 एनकाउंटर्स में किसी भी पुलिस वाले को कोई गोली नहीं लगी। आप चाहते हैं उन्हें लगे? मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक दूसरे की लेने के बजाय डागर को ढूंढो और एक्सट्रॉशन किलिंग को रोको। देखिए उसका सेलफोन ट्रेस किया जा चुका है, कंक्रीट एविडेंस मिलते ही। कंक्रीट? हर बिल्डर के पिछवाड़े में कंक्रीट घुसा हुआ है, और अगर डागर ने एक और बिल्डर को मार डाला तो अपोजिशन लॉ एंड ऑर्डर मेरे पिछवाड़े घुसेर देगा और तुम्हारा करियर में तुम्हारे पे छोड़े। साहब वो कुल्हाड़ी मारने वाले को तो नहीं दिखा था, लेकिन वो अंधा भिखारी है ना, बिल्डर का ड्राइवर ने उसको देखा था सर। अरे बूट पॉलिश। हाँ सर। अच्छी है सर। कोई खबर? आज रात बैंड्रा स्टेशन में गुड़वाले से मिलने वाला।
आज रात बिजी हो? हाँ सर, वो एक दोस्त से मिलना था। शायद जरूरत पड़े तुम्हें आज। चूज करना तो चूज करो, इतना सोचो मत। सुनाई दे रहा? हाँ सर, सुनाई दे रहा। अपने भिखारी पर ध्यान दे, जिससे भी वो मिले शायद हमारा होड़ वाला कुल्हाड़ी मार सकता है। सही, गलत और बीच का। समझ नहीं आ रहा क्या करूं तेरे साथ।
सुना है गली में मिल गया था तुम्हें, उड़ा क्यों नहीं दिया साले को? सर कुछ पक्का नहीं था सर, मैं सोच रहा था अगर उसके पास गन होती ना, वो सोचता नहीं। रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ 70 गैंगस्टर रिकॉर्ड में, इतने ही सर। और जिन्हें फीड नहीं किया वो बोला था पुलिस वालों को सबका एंट्री तो कंप्यूटर में नहीं है, इसमें तो सालों लग जाएंगे। पटेल एक मिनट, अगर वो रिकॉर्ड में है तो या तो वो बेल लेके फरार हुआ है या वो उसको छोड़ दिया गया है, उनके लिए कोई और शेल्फ है? खान तो हमारा दो शूटर को मार गिरा है, तू कैसा बच गया रे? खबर ही है क्या? डागर भाई कुछ सोचा? अरे मिनिस्टर साहब आप बैठो बात करते हैं। मेरे को मालूम होता है इसमें गन है, सटका देता खान। कल का चोकरा वो पुलिस वाला तुम्हें कुत्ते की तरफ दौड़ाया, तू कान को टपकेगा? अरे शूटर को गन नहीं दम होना चाहिए। आजा। गन का क्या है, वो दूर खड़ा हो बच्चा भी ट्रिगर दबा सकता है। ये जब पड़ती है ना तो आड़वास चीर के नहीं, इसके लिए चाहिए हमें कम तो सेवा के पास। जिनको छोड़ दिया हुए बाजू वाले में मुझसे डरता है? कौन है बे? सेवा। कौन सेवा? कल तक 10 करोड़ पहुंचना मांगता है। मिनिस्टर साहब मैं वहीं पर हूं सर, माई बेस्ट मैन आर ऑन द जॉब। आज के बाद दागर किसी भी बिल्डर को हाथ नहीं लगा पाएगा। ओके सर। यही है वो सलाह रानी, पकड़ के लाओ इसे। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगर मिल भी गया तो पुलिस कस्टडी में रहेगा। आदि जैसे हमें पता चलता है हम आपको फोन। तिवारी मिनिस्टर की कैंपेन को फंड कर रहा है,
अगर आज रात शिवा नहीं मिला तो मिल जाएगा, है मेरे खबरी। पैसा दे, गिन ले, नहीं तो खान के पास जाएगा रोता हुआ। चाहिए थी तुझे। ये छोटा सा बच्चा था तो खान साहब के जूते पॉलिश करता था। साहब वो मच्छी वाले ने मारने वाले को पहचान लिया साहब। फिर से तुम्हारा दोस्त शिवा। सर I'm sorry सर, मुझे उस वक्त बिल्कुल लगा नहीं था। शायद तुम्हें नहीं लगा था लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए था। योर गन, तुम गलत पोस्टिंग में हो। सॉरी मेरे से ना कान बड़ा हुआ। अबे कान है कोई कानून थोड़ा ही है। तेरे को जमता है ना तो ठीक है। ये सब क्या है? कहाँ थे पूरी रात? एक फोन नहीं कर सकते थे? ठीक है, नहीं छोटू के स्कूल की फी के लिए। साली जाओ अपने उसे रंडी के पास। देना चाहता
कौन सा? अनारसी, सादा, जर्दा? वही जो आप शिवा को देते हो, उसके खाते में देते हो। कौन शिवा? देखो कल रात को दिया तो था उसको पान, उसने तो पूछा नहीं आपने बनारसी या सादा है? पैसे भी नहीं लिए थे उससे। ये शिवा घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस आपको यहाँ से हथकड़ियाँ पहना के खसीटता हुआ लेके जाऊँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मेरे बॉस के पास। वो मेरी तरह बातें नहीं करता, वो मर अस्पताल जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में, इतने मार्केट के बीच में तुमको जब खसीटता हुआ लेके जाऊँगा बहुत बेइज्जती होगी, वो नहीं चाहिए। तो क्या सोचा ये तेरे मेरे बारे में? ये लगा दो जरा। किसने दिया? अच्छा है ना? चुप। डागर भाई दिया चाय, गरम चाय। तेरी माँ की चाय। अकबर तो तुम्हारा भी नहीं पूछूंगी। क्राइम ब्रांच ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो क्या करेगा? अंदर डालेगा क्या? मैंने पुकारो फ़ोन किया था, तुम्हारे पापा को लगता है कि उनका घर तुम्हारे नर्स की जॉब से चलता है। तुम्हें पता है उनकी क्या हालत होगी जब उनके सामने असलियत आएगी? अगली बार शिवा आएगा तो बताना।
यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी कल रात को मैं आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गई थी। ओके मिलता हूँ। आदि तुम्हें तो बस चोटी लगती रहती है। यहाँ आने के लिए कुछ भी। तुम गई थी ना? प्रीस्ट ने बताया। अभी तुमने बताया। अनु मैं एक पुलिस वाला हूँ। एंड द ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। इतनी बकवास करते हो तुम, बिल्कुल नहीं बदले। हाँ मैं गई थी वहाँ लाइक अ स्टूपिड टीनेजर। मैंने तुम पे फिर से भरोसा किया। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। मिल के जुदा होना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊँ ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। हिलना मत।
ड्यूटी ऑफिसर ला जाते से कोणाला सांगते की बोल बच्चे कोणाला देतेस बाई का आदमी डागर भाई का आदमी ये झूठ झूठ किसी भाई से लेना देना नहीं था इसका जे अच्छा का झूठा मिट्टी का काम करता था मट्टी वाले से बोल चिल्ला रही तू अरे बोल किसी से भी बोल वाह क्या बात है आदि यू गॉट अ मैन तुम्हारे फील्ड ट्रायल्स क्लियर हुए सर मुझे नहीं लगता कि ये वो था अगर वो नहीं था तो वहां क्या कर रहा था सर उसने क्या किया उसने सिगरेट जलाई आउट ऑफ बेसिक ह्यूमन कर्टसी और वहां से भागा आउट ऑफ बेसिक ह्यूमन कर्टसी के पास कोई गन नहीं थी सर और ये गन किसकी आप भी जानते हैं आओ ना चलो मान लेते हैं हमसे गलती हो गई तुम जेल जाओगे ह्यूमन राइट्स वाले हमारे सर पर बैठ जाएंगे हर पुलिस वाला फील्ड पर गन चलाने से पहले दो बार सोचेगा शायद इसी की जरूरत है सर हम हमारे पिछले 60 एनकाउंटर्स को डिफेंड करते रहेंगे और तब तक ये धारावी कुरला सैन के जितने भी गैंगस्टर्स हैं सबको छूट मिल जाएगी तब तक जब तक एक नई यूनिट जगह पे नहीं आ जाए लेकिन शिवा वो तो मर गया डागर एक आध और बिल्डर्स को मार डालेगा बिल्डर्स पैसे देते रहेंगे इसलिए ज्वाइन किया था अंकल को हेलो बोलो बेटा इनको कोई कांदा देने आ रहा है नको जाओ पुलिस का लफड़ा है ओम तत्सुभूतले कौतुमस्तार्थं महातस्मिनामस्तार्थं ज्ञानिचपापानि च बाबा को छूना मत बोला ना तेरे को हाथ मत लगा क्या सोचा तुमने तू इधर आएगा तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा कोई तो निकल सॉरी कल रात को मैं नहीं आ पाया कोई बात नहीं मैं भी नहीं गई थी चलो मिलते हैं आदि
तुम हीरो बन गए हो। तुम यही तो चाहते थे ना हमेशा से। नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैंने जिसको मारा वो कोई गैंगस्टर नहीं। लेकिन पेपर्स में I don't believe this। आदित्य तुम कुछ करते क्यों नहीं? इतना सिंपल नहीं यार। The truth is always simple। तुम ही कहा करते थे ये। तुम बहुत बदल गए हो आदि। उनको रहने के लिए जगह चाहिए। ये काम कर सकती है। ये सिर्फ 70 गैंगस्टर है रिकॉर्ड में। इतने ही सर। रिकॉर्ड में नहीं है। छोटा बच्चा है सर। बच्चा? इसके हाथ में पिस्तौल थी। पकड़ा साले को। हो जाएगा। मस्त मच्छी है सर। हेलो। इनसे मिलो। मेरे आदमी। हेलो। तेरे लिए। इंग्लिश इन 30 डेज। इसका मैं क्या करूँ? पढ़ ले। एक अच्छी सी नौकरी दिलाओ मुझे। बड़ा मजा आता है ये काम करने के लिए। आप ये पढ़ाई विढ़ाई के चक्कर में क्यों डाल रहे हो? कहा है भैया ढूंढना मुझे। इसने गन दिखाई है, मिल जाएगा। ये बकरी है, काटती नहीं है। चल। सांसे तो पी ले, मीठे चपानी, फिर मांगे ना सोडा ना पानी। सिप सिप पी ले, मीठे चपानी, फिर मांगे ना सोडा ना पानी। Bye.
जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। मुझे हमेशा से साइकिल चाहिए थी ना शर्मा मत। जैसे तूने मेरे पापा को मारा छोटू, वो गलती से हो गया था, वो मेरी गलती थी, तू ऐसी गलती मत कर। क्या है, गोली मारेगा? छोटू, तूने अगर एक बार भी किसी को इससे मारा तो तू गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। और कोई तरीका नहीं था। किसी बात का नतीजा क्या उसके तरीके को सही साबित करता है? नो मैम,
अपनी गन जमा करो और कल से डेस्क ड्यूटी पर लग जाओ। मुझसे गलती हुई मैम, मेरे हाथों एक इनोसेंट मरा है, खान साहब छुपा रहे थे इसको। मैं जाके सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ कमिश्नर पॉल को। डोंट बी स्टूपिड। मेरी कॉन्शियंस साफ है मैम, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। अब अपना देखिए, बच्चे छोटू इधर देख, छोटू सर मैं बात कर रहा हूँ, बंदूक नीचे वरना गोली लग जाएगी। कोई कुछ नहीं करेगा छोटू, आराम से। से सब बर्बाद होगा। क्या हुआ? मेरी माँ मर गई। बंदूक नीचे करो वरना मैं गोली चला दूंगा। जला इसको? ओ, सिगरेट जलाई थी इसकी, ये बोला थैंक यू, मैं बोला ओके बस। इन दोनों को पहले कभी देखा है? ना। नहीं मार सकते, आधी सर्विस का ही है। सुबह 9 बजे कोर्ट में वन पीस पेश करना पड़ेगा। किसने रोक के रखा है? उसका सिर्फ ये बताना है कि डागर का पता हमें कहाँ मिलेगा। बताएगा ना साहब, बताना बताएगा। ये बोला रे, बोलेगा ना तो घर कैसे जाएगी, जाना ना गया। ए पटेल हाथ मिलवाने का। ये बोलेगा ना तो घर कैसे जाओगे? बोलो ना कैसे घर जाएगी कैसे? सर हम जाएगा तरबूजा कटेगा तो हर कोई चाटेगा। पार्टी छोड़ दो सर, बोलेगा पटेल। अरे काय साहेब, वो तो उल्टा
पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप स्टेटमेंट दे दे, ये सब नहीं होगा। मेरे को कोर्ट जिंदा ले जा, सब बताएगा। डागर कहाँ है? मैंने बता दिया तो लोग जिंदा छोड़ देंगे मेरे को। मेरे को कुछ तो बोलना पड़ेगा तेरे को। छोड़, ये लोग देख लेंगे। साहब बताएगा हो। अलीपिया को कौन डागर भाई ने करवाया था? मैं ही किया। तू तो बड़ा कमाल का खिलाड़ी निकला। एक मिनट के लिए तो साला मैं भी चूतिया बन गया था। हमें कन्फेशन चाहिए था, सो तुमने दिला दिया। फील ट्रायल ओवर। वेलकम टू क्राइम ब्रांच टॉपर बॉय। अरे सोच क्या रहे हो यार। पाटिल, अरे वो बच्चे और उसकी माँ को जरा घर ड्रॉप करने का इंतजाम कर दो। सर आदि गत शिवा, हियरिंग 9 बजे, मजिस्ट्रेट नायक के साथ कोई चूतिया पा नहीं। मसाला चाय और समोसा चलेगा। तीन मसाला चाय और 3 समोसा पाओ। हाँ सर। हाँ आदि, ये शिवा सिक्योर है? हाँ ठीक है सर। इधर आना जरा, हेल्प करना। ठीक है सर, एक मिनट आ रहा हूँ। ब्रांच का कहना है इसने अपने आप को खुद मारा है।
कस्टडी डिनाइड, बेल ग्रांटेड। पता है मेरे तरीके क्यों काम करते हो तुम्हारे नहीं? क्योंकि मेरी कोई नहीं ले सकता। कानून एक चूतिया है, उसकी सभी ले सकता है, समझे? कानून जो है सो है, अगर उसके सहारे आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो चूतिया आप। अपने बॉस को कुचलने की कोशिश करना किसी बात का नतीजा क्या उसके तरीके को सही साबित करता है? जी सर, कभी कभी। खान भी हमेशा यही कहता है। खैर, तुम पिस्तल जमा करवा दो, कल से डेस्क जॉब के लिए रिपोर्ट करना। मुझे एक और खान नहीं चाहिए। एक और लगा दे। रिलैक्स, मैंने भी एक साल ये किया था स्टेपिंग कोर्स। तुम तो लकी हो, तो कंप्यूटर से अगोल बुक पॉलिश कहाँ? चल मैं आता हूँ। बिजी? अरे इतना सोचो मत यार। नो सर। तुम ये रुको, अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं आया कॉल फॉर बैकअप। आप तो भरोसा नहीं करते हैं सर। सब बराबर।
मैंने उसे जाने दिया, मैंने उस हराम खोर को जाने दिया। तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। मैंने उन्हें मार दिया। एक आखिरी मौका मैम, आई फॉलो ऑर्डर्स। मैंने आपको कहा था यहाँ की वोट बिकाऊ नहीं। ये तो टोकन है। हमारे पास सब कुछ है, बिल्डर को एक को सब कुछ आ जाएगा। आपका कोई आदमी अगर किसी पुलिस वाले को मार देता है तो किसी का भी फोन आपको बचा नहीं सकता सिवाय मेरे। ठीक है, वोट आपका। इसने हमारे एक कसूर तोड़ा है, पुलिस वाले को कभी हाथ नहीं लगाने का। तो अब मैंने भी एक नया उसूल बनाया, सेवा को कभी हाथ नहीं लगाने का। भाई इसका दिमाग। जो चाहिए मांगो, मिल जाएगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जख्मों से ज्यादा ये कर जाए, चुप बैठूं मैं पर ये दिल बोले जाए, यादें वो तेरी फिर लाए। सर, सर वो मिल गया सर। कमिश्नर पाल साहब ने भेजा है, नवी टीम। आदि साहब, कांस्टेबल जमीना जोसेफ सर। कौन मिल गया? कहाँ जाना है? शिवा के पास। कौन शिवा? तुम्हारी टैक्सी MH01G2331 आज सुबह 10:30 बजे। कुछ भी चाहिए हो तो 9 दबा देना। मोमबत्ती माचिस लेगा, इससे निशान नहीं रहता। किसी का खून किया है क्या? कौन गीता?
गरमा गरम चाय। क्या कहा था मैंने? कोई चुतिया पार। हेलो मैम, मैम मिल गया, मैम पकड़ लिया। गुड जॉब, गुड जॉब। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करना, जाने दो उसे आदि, वरना अपना पूरा करियर रिपोर्ट्स फाइल करते रहोगे। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, कमिश्नर बन के रिटायर होना चाहती हूँ बस। इसको ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? थोड़े से साथ बराबर है, अगली बार सोचूंगा नहीं। थुक थुक। आदि, ये फ्लैट हम दो लोगों के लिए ज्यादा बड़ा नहीं है? दो लोगों के लिए तो बड़ा है।
फिसल जाके भी पकड़ पाऊं ना। तुम क्या बोलोगी अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा कुछ चांस है, अगर मैं भी पूछूं तुमसे कि क्या मिलके जुदा होना पाए। प्रीति का स्टार मिला था ना तुम्हें, दिल को मैं समझ पाऊं ना। प्रिया अनु, मैं नहीं जानता प्यार क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। अनु, विल यू? आदि, घबराओ मत, भाव कटे। मुझे ठंड लग रही है ना। गलत रास्ता, बीच का रास्ता। मुझे लगता था ये फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त होता है हमारे पास, लेकिन होता है सिर्फ एक पल। किसी ऐसे देश पर आए जहां मीठी निंदिया मिली ओरे।